तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी हैं एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, मैं हूँ अपने बुआ के घर पे लाहौल स्पीति वैली में और मेरे साथ है मेरी बुआ जी। हेलो बुआ, सबको हेलो कर दो। हेलो। पिछले 2 दिन पहले मैं अपने बुआ के घर आई थी लाहौल, और बुआ का घर है स्टिंगरी में। अब मैं अगर लाहौल आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि आप सभी को मैं यहाँ के कल्चर से और उनका जो भी यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं उन चीजों से आपको रूबरू करवाऊं। तो वैसे ही मैं आज आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप सभी को आज वीडियो में ट्रेडिशनल ड्रेस दिखाऊंगी, यहाँ की जो भी यहाँ का कल्चर है, पहनावा है, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो मेरे साथ मेरी बुआ भी है, तो वो भी आपको बताएंगे कि कैसा कैसा रहता है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों के बारे में। तो मेरे साथ मेरी बुआ है, तो मेरे को बुआ बताते रहेंगे और मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारी ज्वेलरी से। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है यहाँ की कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरीज। साथ ही में हमारी बुआ बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या नाम है इन ज्वेलरीज के। ये तो इसको लाहौली भाषा में अलोंग बोलते हैं, इसके लाहौली भाषा में गौ बोलते हैं, इसको लाहौली भाषा में तुक्का बोलते हैं, इसको बुलछंग बोलते हैं, इसको मणि बोलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये सबसे मेन होता है, ये कान में लगते हैं, ये कान में लगते हैं इस तरीके। कितने तोले का है बुआ? एक, मतलब 3 तोले का है। एक, दोनों कानों में 6 तोला। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ का मेन सबसे बड़ा शादी ब्याह में सबसे बड़ा मतलब होता है ना कि कुछ जेवर। तो यहाँ पे जो कान के इयररिंग्स होते हैं वो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। बुजुर्ग लोग तो हमेशा भी लगा, बुजुर्ग लोग तो हमेशा लगा के बैठते हैं, लगातार। तो ये देख सकते हैं आप। और गाइज अभी मैं आप सभी को पहन के भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, पहले मैं आप सभी को इसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद मैं खुद इन्हें पहनूंगी। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, ये है गऊ, है ये तो रामपुर में भी होता ना। हाँ, ये हमारी साइड भी बहुत सारे अब ऐसा कल्चर आ गया है कि अब सभी मैक्सिमम से पहनते हैं। ज्यादातर हमारे जो ये ट्राइबल एरिया है वहीं पे ही ये पहनते थे, जिसे रामपुर साइड पे बहुत पहना करते हैं, हमारे साइड मतलब पहाड़ी एरियो में। ये है तीसरी ज्वेलरी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये तो बिल्कुल पूरी की पूरी ट्रेडिशनल लग रही है। ये हम ज्यादातर इसी एरिया में देखते हैं, ट्राइबल एरिया में ही देखते हैं। तो इसके बारे में तो मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो हम बुआ जी से ही जानेंगे कि बुआ जी आप बताइए हमारे को इसके बारे में। इसको बोलते हैं बुलछंग, ये वाला बुलछंग है, ये टुक्का बोलते हैं इसको, ये टुक्का है। अच्छा। इसको यहाँ के भाषा में मणि बोलते हैं, मणि। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जो ये है ब्लैक ब्लैक सा, इसको मणि बोलते हैं, और जो ये रेड रेड से स्टोन है इनको क्या बोलते हैं बुआ? ये वाले? हाँ जी, ये तो अब ये टुक्का है ना, ये ऐसे ही पत्थर जैसा होता है। अच्छा अच्छा। और ये देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत सा है और बहुत प्यारा है, कि ये बहुत कॉस्टली है। इसका एक ही स्टोन है ना, ये सोने से भी ज्यादा महंगा है। कोई महंगा होता है ना इसमें, कोई सस्ता भी होता है। हाँ जी हाँ जी, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये रहते हैं, तो कोई महंगे होते हैं, कोई बहुत सस्ते भी होते हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ज्यादा कम भी नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप गाइस, जो सोना होता है उससे भी ज्यादा महंगा होता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देख सकते हैं आप, ये है यहाँ की लोकल ड्रेस, जिसे हम चोलू के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही वे इसे दुप्पो भी कहते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है, ये कितना प्यारा सा है। ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस भी है, लोग इसे बहुत पहना करते हैं, यहाँ पे शादी हो गई, फंक्शंस हो गए, जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें सभी लोग इसे ही पहनते हैं। जैसे हमारे साइड होते हैं रेशमे पेटीकोट लोकल ड्रेस, तो यहाँ की लोकल ड्रेस भी है चोलू। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर है, और इसका पूरा डिजाइन देखिए आप पहले एक बार, पूरी प्लेट्स किस तरीके से पड़े हैं। अब अपनी जगह की अब अपनी ट्रेडिशनल का अपना महत्व है, वैसे ही यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो ये तो हो गया चोलू, साथ में इसके साथ पहनते हम, इसको क्या बोलते हैं बुआ जी? कुर्ती। कुर्ती, चोलू के ऊपर कुर्ती पहनते। तो दोस्तों ये होती है कुर्ती, जिसे कुर्ती के नाम से जानता है। इसका पूरा डिजाइन बास्केट की तरह है, ये देखिए आप, इसे पहनते हैं चोलू के ऊपर। क्या बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सभी पहनते हैं इसे, हर लेडीज पहनती है, लड़कियां पहनती है, बूढ़ी औरतें पहनती है, सब पहनते हैं इन्हें, और ये घर में भी पहनते हैं, फंक्शंस में भी पहनते हैं, सब जगह। तो देखिए आप इसका डिजाइन भी देखिए एक बार, कितना सुंदर सा है।
साथ ही में जो इसमें प्रिंट्स होते हैं ये भी इनका अपना कल्चर से रिलेटेड होता है वो। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत सा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसे पहनते कैसे है। तो इसे हम सीधे ही जो हमने वियर किया होता है उसी के बाहर से पहन लेते हैं। इसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और साथ ही में इसकी पट्टी भी होती है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। इसी में से पहनते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरी ज्वेलरी और जो भी ड्रेस है मैंने पहन लिया है। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस कुछ इस तरीके की होती है लाहौल की ड्रेसेस। और ये है चोलू, देखिए कितना सुंदर है। आपने देखा क्या है यहाँ का ड्रेस और कैसी है यहाँ की ज्वेलरी। तो देखिए गाइज ये कितना खूबसूरत है सब कुछ, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये ड्रेस पहन के। और आप सभी को मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना गाइज। बाकी मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बुआ, बुआ इधर आओ, बाय तो कर लो। बार बार बुआ शर्मा रही है। बुआ को हम ऐसे ही दिखा देंगे। हाँ बाय कर लो।